ऐसा एग्जीबिशन करवाने का आपने कैसे सोचा, मतलब इतने सारे माउंटेनर्स को बुलवा कर और फिर रांची में ये स्टार्ट करने का? बहुत ही मुश्किल सवाल है ये, तो UPSC में भी कभी पूछा नहीं गया था मुझसे। बट ओके, हम लोग सभी लोग जानते हैं ना, बचपन में खेलने कूदने की जो प्रवृत्ति रहती है, लगता है ये बाद में भी होना चाहिए। और खेलने कूदने के साथ साथ कोई माउंटेनियरिंग करते हैं, कोई ट्रैकिंग करते हैं, कोई मैराथन करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं वो छूटता चला जाता है। और हमारा कंट्री या वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, दे आर नॉट सफरिंग बिकॉज ऑफ कि बहुत सारी चीज़ें उनके पास में, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने छोड़ दिया है। जब मैंने गूगल से कुछ सर्च किया और पाया कि माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग इतने बड़े स्तर पर सभी जगह हो रहे हैं, इतने बड़े स्तर पर हो रहे हैं, और हम लोग उसको बहुत ही सोचते हैं, अच्छा वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, कौन करेगा, बस दूसरे लोग करेंगे, वो बेवकूफ़ है, पागल है। बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, जो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, मेंटल स्ट्रेंथ देता है और इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। और इस एक्टिविटी को आप जीवन भर कर सकते हैं। दैट इज़ ओनली एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। आप पढ़ाई बाद में छोड़ देते हैं, म्यूजिक से कुछ कुछ अगर हुआ तो मन हट गया तो कुछ चेंज कर लेते हैं, लेकिन स्पोर्टिंग जो एक्टिविटी है ना, आपके पूरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मुझे लगा कि इस एक्टिविटी को इंडिया में एंड वर्ल्ड में आज तक वो पहचान नहीं मिली है। भारत देश में 526 और 590 भी मनीषा वाघमारे बता रही थी, 590 माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर इंडिया से हैं, क्लाइंब किए हैं। और हम लोगों ने किताबों में क्या पढ़ा है, तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी, कहानी ख़त्म, उसके बाद सोचते ही नहीं हैं। और फिर जब मैंने सर्च किया तो इसमें महिलाएँ कम नहीं हैं। आज इस प्रोग्राम में हम लोग 15 में 8 महिला पर्वतारोही आ रही हैं, 8, एंड दे ऑल आर फ्रॉम इंडिया। इट इज़ अ गुड मैसेज फॉर एवरीवन कि अगर किसी स्टेट को, कंट्री को, सोसाइटी को डेवलप करना है, स्पोर्टिंग एक्टिविटी पे आप कितना ध्यान देते हैं, खुद पे, समाज के साथ मिलकर के और सरकार के साथ मिलकर। मुझे लगता है कि सरकार को और बाकी जो संस्थाएं हैं उनको बहुत ही गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। अगर हमको अपना भविष्य उज्ज्वल करना है तो स्पोर्ट्स एक ऐसा एजुकेशन है जो आपके पूरे जीवन भर के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। तो ये स्पोर्ट्स से काफ़ी अलग है ट्रैकिंग। इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स बहुत बड़ा कैनवस होता है, अपनी रुचि के अनुसार कोई कुछ खेलते हैं, कोई इंडोर खेलते हैं, कोई आउटडोर खेलते हैं। इसके लिए कोई अलग से कोई ट्रेनिंग, बहुत ट्रेनिंग, जब तक आप बहुत एक्सक्लूसिव माउंट एवरेस्ट जा रहे हैं, कोई हाईएस्ट पीक पे जा रहे हैं, आप कर सकते हैं। आप घर से निकलते हैं, आप कहीं भी चले जाते हैं, आसपास में जंगलों में, पहाड़ों में, नदी किनारे आप कर सकते हैं। इसके लिए कहीं बहुत बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। बट हम क्यों करेंगे, कल से करेंगे, बाद में करेंगे, अभी तो अभी मेरा काम है काम करने का है, तो ये भी एक काम का पार्ट होना चाहिए। इस बदलाव के साथ क्या होगा झारखंड जैसे जगहों में, झारखंड में अपूर्व संभावना है चारों तरफ, चाहे वो पहाड़ है, चाहे नदियां हैं, चाहे टेरेन है या घाटियां हैं, वो सारे ऐसी जगहों पे हैं कि मुझे लगता है कि इससे अच्छा स्टेट नहीं हो सकता। आज हमारे झारखंड का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि दैट वी आर प्राउड ऑफ अवर झारखंड। व्हाट इज़ दैट स्टेटमेंट? सो माई सजेशन वुड बी, लेट अस मेक ए स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ द कंट्री। स्पोर्ट्स कैपिटल, पूरे राज्य को स्पोर्ट्स कैपिटल बना सकते हैं। प्रतिभा है, क्षमता है और लोगों में वो करने का जज्बा भी है, थोड़ा सा उनको पुश करना है। तो पुश करने के लिए हमारे से साधारण लोग पुश करेंगे तो लोग बात नहीं सुनेंगे। इसी सोच के साथ मुझे लगा कुछ ऐसे मंच पे लोग आए जिनकी बात सभी लोग सुने, रांची के, झारखंड के, दुनिया के लोग, एक मंच पे इंडिया में रांची सर में पहली बार 15 माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर आ रहे हैं आप लोगों के साथ में अपना जीवन का अनुभव साझा करने के लिए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो मुझे लगा कि ये काम करना चाहिए, आज तक किसी ने नहीं किया है, तो मेरे दिमाग में ख्याल आ गया और मुझे लगता है कि इससे समाज को, राज्य को, लोगों को, व्यक्तिगत तौर पर सभी को बहुत फ़ायदा होगा। हमारी एक छोटी सी टीम है, कनिष्क पोद्दार हमारे साथ में है, कनिका मल्होत्रा है, आलोक कुमार है, अमित कुमार है, तो 5-6 लोग मिल करके हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं। बोला सर करने में हर्ज क्या है, झारखंड के लिए और रांची के लिए एक बहुत ही यादगार महत्वपूर्ण दिन होगा कि हम झारखंड को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं और लोगों को जो सुख में जो जीवन जीना चाहिए उसका सही मीनिंग, जो सही पर्पस है, क्या हम पा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो आए हैं बाहर से, उनके आने से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो एक हलचल जरूर होगा।
इसी सोच के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिल करके इस मिशन को पूरा करें और हम आपके साथ हैं, आपका साथ चाहिए।